जबलपुर से बड़ी खबर, जहां मेथोडिस्ट चर्च लैंड स्कीम केस में गिरफ्तारी हुई है। ईओडब्ल्यू ने चर्च अधीक्षक मनीष गिडियन को गिरफ्तार किया। चर्च के जॉनसन स्कूल से आपको बता दें कि गिरफ्तारी हुई। ईओडब्ल्यू दफ्तर में मनीष गिडियन से पूछताछ जारी है। बिशप एमए डेनियल और एरिक पी नाथ फरार है। जिला अदालत ने तीनों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। चर्च को लीज पर जमीन जो मिली थी उसे बेचने का यह पूरा मामला है। इन्होंने 7,62,00,000 रुपए की क्षति सरकार को पहुंचाई थी। तो ईओडब्ल्यू दफ्तर में अब मनीष गिडियम से पूछताछ जारी है। लगातार ईओडब्ल्यू का शिकंजा कसते जा रहा है। बिशप एमए डेनियल और एरिक पिनाथ फरार है, जिनकी तलाश लगातार यहां पर की जा रही है। मेथोडिस्ट चर्च लैंड स्कैम केस में यह गिरफ्तारी हुई है। विजेंद्र पांडे हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजेंद्र, लगातार ईओडब्ल्यू शिकंजा कसता हुआ ये गिरफ्तारी, फरार आरोपियों की तलाश भी लगातार जारी है। किस तरह से कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है इस पूरे मामले में? बेशक श्रवण, बता दूं आपको कि जबलपुर के मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया को लीज पर बड़े पैमाने पर शासन की ओर से जमीन दी गई थी। ये चर्च की संपत्ति थी, जिनका इस्तेमाल जो है लीज की शर्तों के मुताबिक किया जाना था, लेकिन चर्च के पदाधिकारियों ने मिलीभगत कर इन जमीनों को खुर्दबुर्द किया। इन्हें बेच दिया गया, लीज नियुक्त किए बगैर बिल्डर्स को बेच दिया गया, और आज चर्च की उन जमीनों पर निजी बिल्डर्स की इमारतें तनी हुई है। ऐसे ही एक मामले में ईओडब्ल्यू ने एक एफआईआर लॉन्च की थी। मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया के जो जबलपुर में बिशप है एमए डेनियल, एरिक पीनाथ के साथ तीन पदाधिकारियों मनीष गिडियन पर भी एफआईआर लॉन्च की गई थी। तीनों ही आरोपियों की जमानत अर्जी जिला अदालत ने ठुकरा दी थी। इस मामले पर बिशप और एरिक पीनाथ तो फरार है, लेकिन मनीष गिडियन को आज कब्जे में आज उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ईओडब्ल्यू की टीम ने आज जबलपुर के जॉनसन स्कूल स्थित कंपाउंड में छापा मारो कार्रवाई की, और इस दौरान मनीष गिडियन को अरेस्ट कर लिया गया। फिलहाल उसे ईओडब्ल्यू दफ्तर में रखा गया है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है, और माना जा रहा है कि इस पूछताछ के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। साथ ही ईओडब्ल्यू के अधिकारी कह रहे हैं कि बिशप और एरिक पीनाथ फरार हैं, जिन्हें तलाश करने के लिए सरगर्मी से तलाश की जा रही है, और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। तो हम कहें कि मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया के जमीन घोटाले पर ईओडब्ल्यू की एक बड़ी कार्रवाई है, और पूछना होगा, देखना होगा कि मनीष गिडियन से पूछताछ के बाद और क्या कुछ खुलासे होगा। निश्चित रूप से विजेंद्र, ये देखना होगा कि और क्या खुलासे होते हैं। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।